नमस्कार। बॉलीवुड में बायकॉट का दौर चल रहा है और बायकॉट के कारण कई फिल्में फ्लॉप भी हुई और इस फ्लॉप के कारण बॉलीवुड में एक निराशा का माहौल पैदा हो गया। इस निराशा के माहौल के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आई पठान, क्योंकि पठान ने अपने ओपनिंग डे में 56 करोड़ का कारोबार करके ये साबित किया कि बायकॉट पूरी तरह से विफल रहा। पठान फिल्म के एक गाने को लेकर बायकॉट का दौर चला, लेकिन इस बायकॉट का इस फिल्म को फ़ायदा हुआ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब किसी फिल्म का उच्च स्तर पर जब बायकॉट होता है तो लोग देखना चाहते हैं कि इस फिल्म में आखिर है क्या जिसके कारण बायकॉट किया जा रहा है। तो शाहरुख खान की इस फिल्म को बायकॉट का फ़ायदा मिला और फिल्म ने अपने पहले दिन 56 करोड़ से अधिक की कमाई कर डाली। माना जा रहा है कि ये फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा इसी वीकेंड में हासिल कर लेगी और बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी। देखना है कि ये फिल्म बॉलीवुड के लिए कितनी गेम चेंजर साबित होगी। हालांकि ये तो बात पक्की है कि ये फिल्म किसी भी प्रकार से फ्लॉप साबित नहीं होगी और शाहरुख खान अपनी बात साथ है वो बॉलीवुड में कायम रख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।